हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया श्यामा। गाइस, ये देख सकते हैं आप कितनी यम्मी कितनी टेस्टी हमारी लग रही है श्रृंगदाने की सब्जी। बहुत टेस्टी, इसको पूड़ी चपाती पराठा नान राइस किसी के साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बहुत डिलीशियस और बच्चों के लिए तो बहुत हेल्पफुल। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी हमने कैसे बनाई है। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन। एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट की सब्जी। ठीक है, देखिए जैसे कि हम कभी कभी मार्केट से खाने के लिए पीनट लाते हैं, ये देखिए ऐसे मूंगफली लाते हैं, ठीक है, और वो भूल जाते हैं खाना या किसी कारणवश वो खराब निकल आती हैं कि गीली गीली अंदर से, जिसको बोलते हैं मॉइस्चर होता है जिन मूंगफलियों में, अच्छी नहीं लगती, क्रंची नहीं लगती खाने में। तो उनको आप फेंके नहीं, इसी तरह से छील कर आप रख लें। और ये देखिए, और इसकी भी हम सब्जी बना सकते हैं। तो देखिए बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी हम सब्जी बनाने वाले हैं। तो देखिए ये हमने निकाल लिया हुआ और ये छिलके हम फेंक देंगे। ठीक है, ये देखिए दो एक छोड़ी थी आपको दिखाने के लिए, वो भी हमने छील कर रख ली है। और ये रोस्टेड होती हैं गाय, लेकिन फिर भी इनकी सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, एक मीडियम साइज प्याज, एक हरा मिर्च, थोड़ी सी आधा इंच अदरक का टुकड़ा, एक टमाटर, क्योंकि हम दो बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं इसलिए मिर्च वगैरह कम करिए, आप अपने हिसाब से ले लें। तो इसको हम ग्राइंड में डालकर ग्राइंडर कर लेंगे। ये देखिए सारा सामान एक में डाल देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए गाइस, तो ग्राइंड करते हैं फिर मिलते हैं आके। ये देखिए गाइस, ग्राइंड हो चुका है, तो इसको अभी एक बाउल में कर लेंगे। ठीक है, और पीनट को भी हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए गाइस, ये भी ग्राइंड हो चुका है। आप चाहें इसका छिलका जो है वो हटा सकते हैं, क्योंकि ये तो भुनी हुई है, छिलका आसानी से हट जाएगा, बट हमने ऐसे ही ले लिए है। ये देखिए गाइस, दोनों चीजें तैयार हैं और इसमें और भी मसाले ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसको। देखिए इसको कहीं कहीं पर श्रृंग दाना भी बोला जाता है। ठीक है, तो मूंगफली श्रृंग दाना पीनट जो भी आप लोग कहते हो। तो चलिए बनाते हैं सब्जी इसकी। गैस, चलिए सब्जी बनाते हैं। तो हमने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डालते हैं ऑयल। देखिए गैस, हमने ये ऑयल डाल लिया है। ये हमने चार स्पून लिया हुआ, जो सबके घर में खाने वाली स्पूने होती हैं उसी स्पून से भरकर चार स्पून ऑयल लिया हुआ है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको होने देते हैं। देखिए गैस, एक जीरा डाल के देख लेंगे कि हो रहा है नहीं। देखिए हमारा ऑयल हो चुका है, तो हम इसमें हाफ टेबल स्पून जीरा ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस, जीरा हो चुका है। तो हम अपना ये जो पेस्ट हमने पीस के रखा था, अदरक और अदरक और प्याज और टमाटर का, गाइस एक चीज और, हमने लहसुन नहीं डाला हुआ है। आप अगर लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता हो तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको ऐड करेंगे। ये देखिए, अब इसको हम भून लेंगे थोड़ा सा, एक मिनट करीब भूनेंगे, फिर और मसाले इसमें ऐड करेंगे। देखिए गाइस, काफी हद तक इसका पानी सूख चुका है, तो उसमें हम और मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, वो हल्दी पाउडर ये ऐड किया है, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर। देखिए धनिया इसमें थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, क्योंकि धनिया हमारा ग्रेवी को गाढ़ा बनाता है। ये देखिए, दो से तीन पीस काली मिर्च पाउडर। देखिए काली मिर्च इसलिए डालते हैं क्योंकि बच्चों को कड़वा नहीं पसंद है हमारे, बट थोड़ा सा चटपटा पसंद है, तो काली मिर्च डालने से चटपटा होगा, कड़वा नहीं। ठीक है, ये देखिए गाइस, अब मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक ऑयल खूब अच्छे से दिखने ना लगे। ऑयल अभी भी दिख रहा है, बट थोड़ा सा और भूनना अच्छे से, जैसे खूब अच्छे से ऑयल ऊपर आ जाए। ठीक है, मसाले का कलर है वो कम हो जाए, मसाले का कलर ब्राउन ब्राउन हो जाए, तब तक भूनना है अच्छे से। ये गाइस, इसमें आप मलाई भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा उससे भी क्रीमी टेक्स्चर आ जाएगा। और गाइस, आप जो भी मसाले खाते हो आप वो ऐड कर सकते हैं। हम इसमें बाद में होममेड गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसकी जो होममेड जो गरम मसाला है उसमें हमारा हर एक मसाला है, इस वजह से हम ज़्यादा मसाले ऐसे यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप और मसाले खाना चाहते हैं तो आप और मसाले भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और ऐसे ही बहुत टेस्टी बनेगी। गाइस, ये बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी सब्जी बनती है। देखिए गाइस, मसाले का कलर भी चेंज हो गया और ऑयल खूब अच्छे से दिखने लगा है। तो अब इसमें पीनट अपनी ऐड करेंगे जो ग्राइंड करके रखी हुई है। ठीक है, अच्छे से इनको भी एक मिनट के लिए हम भून लेंगे। ठीक है, अच्छे से। और आप गाइस, आपके पास अगर पीनट
भुनी हुई नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कच्ची पीनट भी ले सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। इसकी भी रेसिपी हमारी वीडियो पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए टेस्ट के अनुसार नमक जो कि हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। हम इसको अच्छे से हम भून लेंगे। देखिए गाइस, जो कच्ची पीनट होती है वो हमारी बर्तन में नीचे चिपकने लगती है, बट ये नीचे चिपक नहीं रही है, ठीक है। और गाइस पीनट वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है, प्रोटीन का सोर्स है, तो बच्चों को हमको इसे खिलाना चाहिए, ठीक है। किसी जिस तरह से बच्चों को अच्छा लगे इस तरह से खिलाना चाहिए। हमने पीनट की मिठाइयाँ वगैरह भी ऐड करी हुई हैं, बनाई हुई हैं, जो कि हमारे आप चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए इसको भूनते हैं। ये देखिए गाइस अच्छे से भून चुकी हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो अपने टेस्ट के अनुसार ये हमारा एक बाउल पानी है वो ऐड करेंगे। देखिए गाइस एक कटोरी पानी अभी हमारा कम है एक बाउल, क्योंकि पकेगा तो पानी जलेगा। तो ये देखिए दो कटोरी हमने पानी ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं, ठीक है। ग्रेवी अपने हिसाब से थिक या पतली बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप राइस के साथ बनाएं तो आप थिक पतली बनाएं, और आप चपाती के साथ खाने के लिए बनाएं तो आप फिर थोड़ा थिक बना लें। देखिए हमने इसमें 3 कटोरी पानी ऐड किया हुआ है, इसमें हमने 2.5 कटोरी पानी ऐड किया हुआ है। अब इसको हम पका लेंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस ढक कर अच्छे से कुक करेंगे इसको, मिलते हैं। ये देखिए गाइस बॉयल आ चुका है। एक चीज और गाइस नोटिस करी है हमने कि आप कच्ची पीनट की जो सब्जी बनाते हैं तो उसमें झाग कुछ ज्यादा आता है, और सब्जी हमारी बॉयल जरूर होती है बाहर, उसके लिए बड़ा ही बर्तन में तो ज्यादा अच्छा होता है। देखिये इसमें भी झाग आया हुआ है, बट उतना झाग नहीं आया हुआ जितना कच्ची में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें गाइस ऑयल होता है, पीनट में ऑयल होता है, इसकी वजह से। ये देखिए गाइस हमारी जो सब्जी है वो बन चुकी है, ठीक है। और अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाले, ठीक है। सब्जी हमारी थोड़ी है इसलिए हाफ टेबल स्पून डाला हुआ है गरम मसाला। और इसको अब 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे इसी तरह से, ठीक है, जिससे कि हमारे जो गरम मसाले का फ्लेवर है वो हमारी सारी सब्जी में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो इसे हम ढकते हैं, 2 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखिए गाइस हमारी सब्जी बन चुकी है और 1 मिनट भी हो चुका है, तो चलिए इसको सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस पहले सोचा ऐसे ही सर्व कर दें, बट फिर सोचा आपको हम दिखाई देते हैं सर्व करके। ये देखिए कितना यम्मी और कितनी बढ़िया गाढ़ी बनी हुई है। और इससे भी थिक आप खाना चाहें तो आप खा सकते हैं, बट ये हमने राइस के साथ खाने के लिए बनाई है, तो ये राइस के साथ बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगती है। ये गार्निश कर दिया एक पुदीने के पत्ते से। तो ये आज की हमारी ये रेसिपी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। गाइस ये आप पूरी पराठा चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।